रहा है जिसमें भक्त एक कार्यक्रम में एक संत पर नोट की वर्षा कर रहे हैं। वायरल वीडियो के अनुसार भक्त अपने गुरु पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की वर्षा कर देते हैं। महामंडलेश्वर कनीराम बापू ने कुंभ मेले में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया था, जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका कोकिल कच्छी, गीताबेन रबारी और कीर्तिदान गढ़वी ने मनमोहक भजन प्रस्तुत किए। वहां भजन संध्या के दौरान भक्तों ने यहां कनीराम बापू पर नोट बरसाए। दोनों ही कलाकार गुजरात के महानतम कलाकार है। ये गुजरात की परंपरा है कि गुजरात में जब भजन संध्या होती है तो उस भजन संध्या में जिस प्रकार से दान दिया जाता है ना, उस दान श्रृंखला को वहाँ पर 10-10 के नोट होते हैं, वो उनके ऊपर सम्मान के लिए उनके ऊपर डाल। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ तनवीर अली, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तनवीर, जिस तरीके से कहा जाता है दुनिया का कोई भी देश वो नहीं कर पाया जो हमने कर दिखाया, कुंभ में एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा यानी कि मैनेजमेंट करना, दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी पर ही रिसर्च करने के लिए आते, कुंभ में इतने लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है, इस बार क्या देखने को मिल रहा है खास? जी नहीं, मैं बता दूं आपको कि धर्म नगरी हरिद्वार 2021 महाकुंभ के लिए पहले से ही तैयार थी और इस बार का जो महाकुंभ है, आज तीसरा शाही स्नान है, अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। जो अखाड़े हैं या जो श्रद्धालु हैं, भारी तादाद में हरिद्वार श्रद्धालु भी पहुंचे थे जिन्होंने स्नान किया है, और जो अखाड़े हैं उनका भी राजसी फाज देखने को मिल रहा है। स्नान के वक्त सभी नागा सन्यासी और जो साधु संत हैं, श्रद्धालु हैं, जो सबका आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और बड़ी राजशाही तरीके से जो नागा सन्यासी हैं या और भी महामंडलेश्वर हैं स्नान करने के लिए हरिद्वार के गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल तनवीर, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है मैनेजमेंट, तो यहाँ तक पानी में भी पुलिस प्रशासन के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो खड़े हुए हैं, वाकई मैनेजमेंट तो वहां पर है, लेकिन एक समस्या बस आ जाती है, कोरोना। कोरोना, ये आस्था यहाँ पर कोरोना पे भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हालात या चेहरे पर डर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग या किसी प्रकार के ऐसा लग रहा है कि लोगों में हल्का सा भी कोरोना का डर है। जी मैं आपको बता दूं, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो शुरू से ही जो मेला प्रशासन है या जिला प्रशासन है या प्रदेश की सरकार है, पहले से ही सख्त आदेश किए गए थे कि जो भी स्नान करने श्रद्धालु आएंगे या नागा सन्यासी आएंगे या अखाड़ों के संत आएंगे, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि जितने भी समाज सेवी है या स्वयंसेवी संस्था है या गंगा सभा है या उसके अलावा पुलिस के, उत्तराखंड पुलिस के लोग हैं, बिल्कुल गंगा में उतर के लोगों को स्नान करा रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा के तौर पर बिल्कुल जल पुलिस को भी तैनात किया गया है। जल पुलिस के गोताखोर भी मौके पर तैनात हैं और जल्द से जल्द उनकी जितनी भी स्नान की व्यवस्था है वो कराई जा रही है और उनको उनके गंतव्यों की तरफ रवाना किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और भी हम इस कुंभ से जुड़ी जानकारी आपसे लेंगे तनवीर, बने रहेगा हमारे साथ। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।